तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लम के ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क के बारे में। एंड ये फेस मास्क जो है वो स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए है, एंड अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये फेस मास्क, एंड अगेन मैंने सबसे छोटा साइज मंगाया है क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, एंड क्योंकि समर का टाइम है तो सभी की स्किन कहीं ना कहीं वो ऑयली हो जाती है, तो यू नो मुझे ये सही चीज लगी तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया एंड फाइनली इसको यूज भी कर लिया। आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो 25 ग्राम का पैक ये, इसका प्राइस है 250, बट कुछ तो ऑफर्स थे तो ये मुझे थोड़ा सा अफोर्डेबल मिला था, लेकिन थोड़े से डिस्काउंट्स मिले थे यार। बट प्लम के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा अमेजिंग होते हैं कि यू नो आप रोक नहीं सकते खुद को ट्राई करने से। एंड आपने अगर इस ब्रांड को यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि इसमें किसी भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया जाता, वीगन होता है एंड स्किन पे 100% सेफ होता है। तो ये सारी चीजें बोल के मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपको आपका फेस मास्क। एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके से बहुत ही ज्यादा थिक फेस पैक मिल जाता है आपको। एंड फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। इनग्रीडियंट लिस्ट इस पे मेंशन नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, बट या कुछ इस तरीके से है ये। एंड डोंट वरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है। सो कुछ इस तरीके से आपको आपका फेस मास्क मिल जाता है। कंसिस्टेंसी नॉर्मल सी है लाइक बाकी किसी भी फेस मास्क की तरह, एंड सेम आपको कलर भी कुछ वैसा ही मिल जाता है। तो ऑनेस्टली क्योंकि मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में लाइक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिस ब्रांड के बारे में पता है, ब्रांड पे ट्रस्ट है, मैंने इसको यूज किया है, तो कुल मिला के जस्ट मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि रिजल्ट क्यों कैसे हुआ। तो ये फेस मास्क आपके स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग बनाता है, नो डाउट। एंड जहां तक बात आती है एक्ने को कंट्रोल करने की, तो ये आपके ऑयल को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करता है। जैसा कि इस फेस मास्क पे ऑलरेडी मेंशन है कि फेस मास्क जो वो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है, लाइक एक्ने प्रोन हो सकती है, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई इफेक्ट देगा। तो ड्राई स्किन वालों के लिए कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि अवॉइड करो, बट स्टिल समर्स के टाइम इसे हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, एंड वो जो चिपचिप वाली फीलिंग होती है उसे बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। एंड हाँ, अगर आपके स्किन पे ऑयल की वजह से आप पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है तो ये फेस मास्क उसको डेफिनेटली ट्रीट करेगा। जस्ट कुछ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी मेडिकल रीजंस की वजह से आप पिंपल और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो अगर आप सोचोगे कि किसी भी फेस मास्क और क्रीम और रेमेडी को यूज करके उसको ट्रीट कर ले तो ऑनेस्टली वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपके स्किन पे वो एक्स्ट्रा ऑयल पोल्यूशन और पोर्स के क्लॉग हो जाने की वजह से अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो रही है तब आप इस फेस मास्क को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके स्किन को इंस्टेंटली क्लीन करता है एंड इसको ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। ये चीज आप फर्स्ट टाइम से नोटिस करोगे। एंड बाकी बात करें अगर एक्ने और पिंपल को कंट्रोल करने की, लाइक आप इसको यूज करते हो अपने एक्ने और पिंपल को ट्रीट करने के लिए, तो आपको कितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा? तो देखो, मैं पर्सनली इसको यूज करती हूँ ट्वाइस इन अ वीक एंड कहीं ना कहीं उतना काफी है मेरे लिए। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी फेस पैक को लाइक ट्वाइस इन अ वीक आई थिंक इनफ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ये ट्यूब खत्म होते होते आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, लाइक 2 हफ्ते का टाइम दो कम से कम, एंड 2 हफ्तों में आई एम श्योर आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी मुझे भी एक पिंपल तो हुआ था जो कि लाइक सेकेंड यूज के बाद ही मैंने देखा कि वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हल्का सा भी स्पॉट रह गया है, तो मेरा पिंपल जो है वो बहुत ही अच्छे से गायब हो चुका है। सो मिला के कहे तो मुझे ये फेस पैक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड समर्स के टाइम में इसे हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, विंटर्स में ड्राई स्किन वाले इससे दूर 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 बहुत ज्यादा दूर है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने इस फेस पैक से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी है। बट स्टिल आपके मन में कुछ भी डाउट चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपनी और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।